हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे वेल्सपन कॉर्पोरेशन। तो एक मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों, हम लोग अक्टूबर में एंट्री किए थे, उसके बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हम लोग। उसके बाद डेवलपमेंट भी हुआ है तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। और अभी जो ऑर्डर मिला है तो रिसेंट ऑर्डर एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वन ईयर में 165% मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया, काफ़ी अच्छा चल चुका है। फंडामेंटल बहुत अच्छी कंपनी है, ज़रूर आखिर तक बने रही है। तो जो अभी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो लैटिन अमेरिका से है, अराउंड 611 करोड़ का। एल्सो पाइप कोटिंग ब्लेंड्स एंड टू लैटिन अमेरिका। और उसके पहले भी एक ऑर्डर मिला था अराउंड 872 करोड़ का है, तो इनका अपना सप्लाई फॉर कॉन्क्रीट कोटेड एल्सो पाइप्स। तो ब्लेंडली स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हार्श एनवायरनमेंट इन क्रिटिकल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट। तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन, जैसे ही पता है, वेल्सपन ग्रुप का एक जाने माने कंपनी है। तो पाइप मैन्युफैक्चर नोन फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और आप देख सकते इनोवेशन अप्रोचेस। वेल्सपन स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्ट लार्ज डायमीटर पाइप्स यूज्ड वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी जो रिसेंटली जो अपना एक्विजिशन भी है उसके बारे में देखेंगे। तो अराउंड आप देख सकते हो डिविडेंड भी पे आउट कंपनी और 36% डिविडेंड पे आउट है उसका। तो बाकी अराउंड 165% रिटर्न अभी लास्ट ईयर में दे दिया, मतलब अभी एक साल में, पिछले एक साल में लास्ट 165 रिटर्न दे दिया इसने। दोस्तों वेल्सपन कॉर्पोरेशन का मार्केट कैपिटल 15,000 करोड़। और आप देख सकते हो जो अभी रिसेंट एक्विजिशन हुआ है, तो अभी सिंटेक्स जो आप देख सकते हो, अभी पता ही होगा आपको सिंटेक्स जो अपना वाटर टैंकी होता है वो कंपनी ने एक्वायर किया, और एक एबीजी शिपयार्ड को भी एक्वायर किया उसने रिसेंटली। उसका जो रेवेन्यू ब्रेकअप देखेगा तो स्टील प्रोडक्ट में 97% का जो उसका मार्केट शेयर है रेवेन्यू ब्रेकअप होता है, और जो अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट में 3% का एक रेवेन्यू है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी गुजरात में है और कर्नाटका और एमपी में भी है, और गुजरात में दो मल्टीपल अपना दो तीन उसका प्लांट भी है, और बढ़िया एक कंपनी है दोस्तों। और DI पाइप में इसका मेजोरिटी इसमें स्टेक आता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख सकते हो एचसो पाइप, एल्सो पाइप्स और ERW पाइप्स, और ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल एंड गैस एंड वाटर ट्रांसमिशन के लिए ये अपना यूज़ होता है। और कंपनी का स्टॉक पी अराउंड 14 का है और इंडस्ट्री पी 18 का है, और ROC 6% और ROE 3% का, डेट इक्विटी 0.39 और जो बुक वैल्यू है 193, और जैसे कि बताया फेस वैल्यू अराउंड 5 रुपीज़ का है, और 5 FIS का होल्डिंग है अराउंड 10.7% का है, FIS का होल्डिंग भी है। और आप देख सकते हो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग, वही आपको इधर देखने को मिल रहा है। लास्ट दिसंबर में अराउंड 294 का एक नेट प्रॉफिट है, और उससे पहले 387 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है सेप्टेम्बर में। तो क्यों ये डिप देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मल्टीपल एक्विजिशन होता है उसके चलते इसमें एक सिंटेक्स और ABG शिपयार्ड को एक्विजिशन हुआ, उसके चलते एक नेट प्रॉफिट में इसमें डिक्लाइन हुआ। एनी वे हम लोग टोटल TTM बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड 16,949 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया। आपको अपना नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है लास्ट 23 में अराउंड 199 करोड़ का एक प्रॉफिट था, और इस साल में आपको देखने को मिल रहा है 1089 में, एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। और EPS भी देख सकते हो 41 रुपीज़ का एक EPS भी है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है कंपनी। और कंपनी के पास रिजर्व्स भी अच्छा खासा है, अराउंड 4,999 करोड़ का एक रिजर्व्स भी है। और मेन पैरामीटर देखिएगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो आप एक की चेंजेस हुआ है। तो अपना प्रमोटर्स भी अपना इंक्रीज कर रहा है स्टेक 50% फिलहाल है, और लास्ट क्वार्टर में 49.96 था। प्रमोटर भी इंक्रीज कर रहा है, और FIS भी इंक्रीज़ कर रहा है 10.7% है, और DSP 11.9% उनके पास स्टेक है, और पब्लिक के पास है 27% का स्टेक पब्लिक के पास है। तो तीनों एक अपना प्रमोटर भी बुलिश है, FIS भी बुलिश है, और DSP ये पर्टिकुलर कंपनी में बुलिश है, तो हम भी बुलिश है इसमें। तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन का जो चार्ट दिखे तो आप देख सकते हो, आप अराउंड अक्टूबर महीने में मैं एंट्री किया था, तो हम लोग चैनल में एनालिसिस भी किए थे। तो अभी एक एक्चुअली ब्रेकआउट लेवल इधर था उसका अराउंड 297, उसके बाद हम लोग लेट तो हुए एनीवे। उसके बाद टॉप एंड बॉटम किसी को पता नहीं होता है, वो इतना सारा काम काज चलता है तो कोई ना कोई मिस हो जाता है एनीवे। तो उसके बाद आपने काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला आपको, लगभग जो 624 का एक हाई लगाया यहाँ से लेकर अपना बाइंग के बाद 624 51% रिटर्न,
तो कम नहीं होता 10-15% उस, तो अभी होल्ड कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। जो एक सपोर्ट लेवल बनता है अच्छा खासा सपोर्ट है, और 470 एक सपोर्ट है, 470 का नीचे आएगा तो उसमें वीकनेस हो सकता है, लेकिन होल्ड कीजिएगा। फिलहाल एक नियर टर्म सपोर्ट है उसके उसके पास अराउंड 520 के आसपास एक सपोर्ट है, तो अगर वो लेवल आएगा तो आप वापस एक्यूमुलेट कर सकते हो रिवर्सल में ये एरिया में, और फ्रेश एंट्री भी गिर सकते हो आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखे। अगर ये सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा अराउंड 520-515 के आसपास आएगा, तो अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो आपको वापस एक एंट्री करने का मौका मिलेगा। 50% रिटर्न कम नहीं होता दोस्तों। जो अभी जो अगर ये लेवल क्रॉस करेगा, जो हाई है 624-625 का हाई है, अगर एक क्रॉस ये लेवल क्रॉस करेगा तो आपको अराउंड 750 का टारगेट मिल सकता है नियर टर्म में, अगर ये लेवल होल्ड करेगा तो। अभी देखेंगे क्या होता है, अगर अभी रिजल्ट भी अच्छा पोस्ट कर रहा है, मल्टीपल ऑर्डर पर मिला हुआ है, उसके चलते का अपना उसे बूस्ट तो आना चाहिए स्टॉक प्राइस में भी, तो एक ठीक है। एनीवे हम लोग का बाइंग प्राइस से ऊपर ही है, तो हम लोग ट्रेल करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा प्लान रहेगा, जैसे कि 9EMA का जो स्ट्रेटजी है, 9EMA का स्ट्रेटजी भी अपना इंटैक्ट है दोस्तों। 9EMA का जो स्ट्रेटजी है वीकली चार्ट में हम लोग एनालिसिस किए थे उसको, तो देखेंगे 9EMA के नीचे लगातार दो कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए। अभी तो एक कैंडल ज़रूर यहाँ पर नीचे आया, लेकिन तो लगातार दो कैंडल नीचे आना चाहिए, उसके बाद उसमें वीकनेस माना जाता है। तो एनीवे उसके बाद अभी फ़िलहाल तो कुछ वीकनेस नहीं है उसमें, तो अगर अपने को वेट करना पड़ेगा। अगर इसमें 625 एक लेवल ब्रेक किया तो वीकली चार्ट में भी, तो आपको एक अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम उसमें मिल सकता है, अराउंड 750 का नेक्स्ट लेवल आपको इजीली मिल सकता है। तो एक मल्टीपल का स्टॉक है दोस्तों, इसमें बने रहिए, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, तो उतार चढ़ाव में कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अपना क्योंकि फंडामेंटल भी अपना एनालिसिस करके हम लोग इसमें अपना एंट्री किए थे, तो अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट रिस्क्स, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल लॉस ऑफ प्रिंसिपल। मार्केट फ्लक्चुएशंस कैन लीड टू बोथ गेन्स एंड लॉसेस, एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। इट इज रिकमेंडेड टू कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर।